हेलो गाइज, आज हम लोग Vivo V29 वर्सेस Redmi Note 13 Pro Plus के बीच में फुल कंपैरिजन करने वाले और जानने वाले कि दोनों की स्पेसिफिकेशंस के बीच कितना ज्यादा फर्क रहने वाला है। सबसे पहले हम लोग दोनों की प्राइसिंग के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो Vivo V29 आने वाला है 32,999 यानी कि 23,000 के प्राइस पॉइंट पे और Redmi Note 13 Pro Plus आने वाला है 25,999 यानी कि 26,000 के प्राइस पॉइंट पे। तो देखा जाए तो दोनों के प्राइस पॉइंट के बीच में ना 5,000 का फर्क देखने को मिलेगा, लेकिन क्या स्पेसिफिकेशंस वाइज इतना फर्क है दोनों के बीच में, चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले मैं लुक एंड डिजाइन के बीच में कोई भी कंपैरिजन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह पे एक प्रीमियम से लुक एंड डिजाइन के साथ आए। तो डायरेक्टली हम लोग दोनों के डिस्प्ले से स्टार्ट करते हैं। तो Vivo V29 आने वाला है 6.78 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ, एक कर्व एमोलेड डिस्प्ले के साथ, जहां पे 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा और ये डिस्प्ले DR10 प्लस 10 बिट कलर सैचुरेशन, डॉल्बी विजन जैसे फीचर को सपोर्ट करने वाला है। 1300 निट्स की पिक ब्राइटनेस यहां पे दी जाएगी। लेकिन अगर बात करें हम लोग Redmi Note 13 Pro Plus की, तो ये फोन आने वाला है 6.67 इंचेस की 1.5K रेजोल्यूशन के साथ, एक OLED डिस्प्ले के साथ, जहां पे 120 हर्ट्ज की ही रिफ्रेश रेट का सपोर्ट दिया जाएगा। लेकिन ये डिस्प्ले 12 बिट के कलर सैचुरेशन को सपोर्ट करेगा, SDR10 प्लस के साथ होगा, डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया जाएगा और ये डिस्प्ले अब तक के 1800 निट्स के सबसे हायर वाले पिक ब्राइटनेस के साथ आने वाला है। तो देखा जाए तो डिस्प्ले की फीचर थोड़ी सी ज्यादा हमें Redmi Note 13 Pro Plus पे देखने को मिला है, तो डिस्प्ले थोड़ा बेटर Redmi Note 13 Pro Plus का होगा। कैमरास की बात करें तो V29 में रियर पे ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, जहां पर 50 मेगापिक्सल की प्राइमरी शूटर विथ OIS जो कि Sony IMX766 वाले सेंसर के साथ आने वाला है, जिसकी ऑप्टिमाइजेशन भी बेटर होती है और 8 मेगापिक्सल की यहां पे अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है, बाकी 2 मेगापिक्सल की डेप्थ सेंसर। लेकिन अगर हम लोग Redmi Note 13 Pro Plus की बात करें तो यहाँ पे भी ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है, लेकिन ये 200 मेगापिक्सल के प्राइमरी शूटर के साथ आने वाला है, जहाँ पे OIS का भी सपोर्ट दिया जाएगा और HP3 वाले सेंसर को यूज किया गया है। तो देखा जाए तो यहाँ पे मेगापिक्सल काफी ज्यादा दिया गया है एज कम्पेयर टू V29, लेकिन सारा खेल ऑप्टिमाइजेशन का होता है, जो कि Vivo इस चीज में काफी ज्यादा माहिर है, क्योंकि Vivo का कैमरा सेंट्रिक वाला ही फोन होता है। तो हो सकता है कि ऑप्टिमाइजेशन 200 मेगापिक्सल को भी कम्बीट कर दे, लेकिन मेगापिक्सल वाइज देखा जाए तो Redmi Note 13 Pro Plus आगे चला जाता है। बाकी यहां पे भी 8 मेगापिक्सल की अल्ट्रा वाइड एंगल देखने को मिलेगी एंड 2 मेगापिक्सल की मैक्रो शूटर। अब दोनों की फ्रंट सेल्फी की बात करें तो Vivo V29 पे देखने को मिलेगा 50 मेगापिक्सल की सेंटर पंचोल वाली सेल्फी विद डुअल फ्लैश, जबकि Redmi Note 13 Pro Plus में देखने को मिलेगा 16 मेगापिक्सल की सेल्फी सेंटर पंचोल कोडॉट के साथ। तो फ्रंट सेल्फी के मामले में V29 काफी ज्यादा आगे चला जाता है। अब दोनों फोनों की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो V29 आने वाला है स्नैपड्रैगन 778G वाले 5G प्रोसेसर के साथ, जिसकी एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 6 लाख के आसपास जाता है, और Redmi Note 13 Pro Plus आने वाला है Dimensity 7200 अल्ट्रा 4NM वाले प्रोसेसर के साथ, जिसकी एंटीटू बेंचमार्क स्कोर 8 लाख से ऊपर चला जाता है। तो एंटीटू स्कोर से ही पता चल रहा है कि कौन बेटर परफॉर्मेंस दे पाएगा, तो इस मामले में Redmi Note 13 Pro Plus आगे चला जाता है। अब दोनों की हम लोग बैटरी डिपार्टमेंट की बात करें तो V29 आने वाला है 4600mAh की बैटरी के साथ, जहां पे 80 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा, जबकि Redmi Note 13 Pro Plus आने वाला है 5000mAh की बैटरी एमएच के साथ, जहां पे 120 वाट की अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। तो बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में भी Redmi Note 13 Pro Plus ही आगे चला जाता है। अब दोनों के अदर स्पेक्स की बात करें तो दोनों पे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलने वाला है, लेकिन Vivo V29 सिंगल स्पीकर के साथ आएगा, जबकि Redmi Note 13 Pro Plus डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आने वाला है। बाकी दोनों फोन विद बॉक्स इनवाइट 13 के साथ आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाना तो Redmi Note 13 Pro Plus हर चीजों में आगे चला जाता है, लेकिन Vivo का ब्रांड वैल्यू काफी अच्छा है, जिसकी वजह से इसकी प्राइसिंग भी थोड़ी सी हाई होती है। लेकिन स्पेसिफिकेशंस के मामले में तो Redmi Note 13 Pro Plus ही आगे जा रहा है, ऊपर से इसकी प्राइसिंग भी हमें काफी कम देखने को मिलेगी। लेकिन V29 भी भाई कम नहीं है, इसकी भी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा होती है। तो ये था गाइस दोनों के बीच में फुल कंपैरिजन। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आओ तो लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड मिलते गाइस अगले फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।